तो वेक्टर्स के अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं कि दो टाइप की क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में जो हम स्टडी करेंगे। एक क्वांटिटी जिसको क्या बोलते हैं स्केलर, और दूसरी क्वांटिटीज जिनको क्या बोलते हैं वेक्टर्स। स्केलर का एग्जांपल देता हूं, जैसे टाइम। मैंने अभी जितना भी लेक्चर दिया 2 मिनट का, तो मैंने 2 मिनट का लेक्चर दिया, मैंने आपको बताया 2 मिनट। क्या मैंने बताया 2 मिनट नॉर्थ की तरफ दिया, या मैंने साउथ की तरफ दिया, या 30 डिग्री पे दिया? नहीं भाई, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। टाइम एक स्केलर है, टाइम एक स्केलर है। एक गाड़ी ने डिस्टेंस कवर किया, लेंथ कवर की, और वो की 15 किलोमीटर, ठीक है, जिस मर्जी डायरेक्शन में की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लेंथ डिस्टेंस है और डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस डिस्टेंस एक स्केलर है। लेकिन जब मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट में क्या है, अगर आप ए से बी पे गए तो आपको बस यही शॉर्टेस्ट रूट फॉलो करना पड़ेगा, और कोई शॉर्टेस्ट रूट है ही नहीं आपके पास। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसकी यही डायरेक्शन है और कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब जैसे मान लो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है, इसकी वैल्यू भी होगी और इसकी डायरेक्शन भी होगी। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब क्योंकि ये वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर है। अब जैसे एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। जैसे फोर्स, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक वेक्टर है तो फोर्स भी वेक्टर है। जैसे वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, वर्क डन भी, वर्क डन वेक्टर नहीं है, वर्क डन स्केलर है। तो अब आप कहोगे ये क्या है यार, ये कोई ये अभी तो बोल रहे थे वेक्टर वेक्टर, अब स्केलर कैसे हो गया? वर्क डन के यूनिट्स क्या है, जूल, और एनर्जी के यूनिट्स भी क्या है, जूल। मैंने खाना खाया, मेरे को एनर्जी मिली नॉर्थ की तरफ, नहीं, 30 डिग्री पे एनर्जी मिल गई, कभी सुना आपने? कभी नहीं सुना। फोर्स 30 डिग्री पे सुनी आपने, एनर्जी और वर्क डन स्केलर है। अब आप कहेंगे कि कैसे पता लगेगा कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है, कैसे पता लगेगा? आपके पास एक ही आंसर है इसका, कि अगर किसी क्वांटिटी की वैल्यू एंड डायरेक्शन दोनों है तो वेक्टर है, और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो वो स्केलर है। भी बोलेंगे आप बिल्कुल सही है डेफिनेशन। तो फिर बताएं, टॉर्क एक वेक्टर है कि स्केलर है? अच्छा, टॉर्क वेक्टर है, टॉर्क स्केलर है, ओके ओके। ओ क्वांटिटी, ओ बहुत है अपने में पूछने के लिए। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वेक्टर है कि स्केलर है? थर्मल कंडक्टिविटी वेक्टर है कि स्केलर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है कि स्केलर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर है कि स्केलर है? आप क्या कर रहे हो, सिर्फ अपनी इंट्यूशन को देख रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे, और सिर्फ तुक्के मार रहे हो, ऐसा लग रहा है, सुना हुआ है, अपनी नॉलेज पे कुछ नहीं है। आप ये नहीं बता सकते एक क्वांटिटी का नाम सुन के कि वो वेक्टर है या स्केलर है। तो मतलब ये गलत एक्सपेक्टेशन ना करें कि मेरे को कोई ऐसा फॉर्मूला पता लग जाए कि बस आप नाम लो क्वांटिटी का और मैं बता दूंगा वेक्टर की स्केलर, नहीं पता लगेगा, क्योंकि आप इन क्वांटिटीज को जानते हैं तो आपको समझना इजी है क्यों वेक्टर है, क्योंकि आप थर्मल कंडक्टिविटीज या क्योंकि आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जैसी टर्म को नहीं जानते, तो आपको नहीं पता कि उसकी डायरेक्शन है भी या नहीं, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो फिर पता कैसे लगेगा? पूरे 2 साल जब जब चैप्टर कोई भी नया स्टार्ट होगा और हम क्वांटिटी को पढ़ेंगे, सबसे पहला काम मेरा ये होगा बताना कि ये क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो जब बहुत सारी क्वांटिटीज हम पढ़ लेंगे, आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर और कौन सी स्केलर है। राइट, क्लियर है? तो अभी हम बात नहीं करते इस बात इस चीज की कि कैसे पता करना है कि वेक्टर है या स्केलर है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? तो मतलब कई लोग सोचते हैं कि हमें पता लग गया वेक्टर स्केलर, नहीं पता लगेगा, अभी इसको ये क्वेश्चन ही नहीं है डिस्कस करने वाला, ठीक है यहां तक? दूसरी चीज,
अगर मान लो बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, जैसे मैंने लिखा टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट एस, वेलोसिटी वी, एक्सेलरेशन ए, फोर्स एफ, वर्क डन डब्ल्यू, थर्मल कंडक्टिविटी के, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, कुछ भी मैंने क्वांटिटी लिखनी स्टार्ट की, तो मेरा बताना बनता है देखो ये वेक्टर है, देखो ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये स्केलर, ये स्केलर, ये स्केलर। इतना बोलने की बजाय एक और तरीका है, जो क्वांटिटीज वेक्टर है उनके ऊपर बस आप एक एरो लगा दें, एरो स्टैंड फॉर वेक्टर, राइट। तो मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है, जिनके ऊपर तो क्या लग गया एरो, इसका मतलब वो क्वांटिटीज वेक्टर हैं, और जिनके ऊपर नहीं लगा वो क्वांटिटीज बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो आज के बाद जो क्वांटिटीज वेक्टर हैं उनके ऊपर क्या लगेगा एरो, कोई डाउट इसमें, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये क्वांटिटीज वेक्टर और ये स्केलर्स हैं, ठीक है यहां तक? तो हम स्टार्ट करते हैं विद स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज वो हैं जिनका मैग्नीट्यूड है सिर्फ, वैल्यू है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो उन क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं स्केलर। जैसे मास स्केलर है, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब स्केलर हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, क्या है पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, वेक्टर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और ओबे करते हैं लॉ ऑफ वेक्टर। ये लॉ ऑफ वेक्टर हम करने वाले हैं अभी, तो उन लॉज को, ये रूल्स को फॉलो करते हैं। बस मोटी मोटी बात, ये मैग्नीट्यूड भी इनका होगा और डायरेक्शन भी होगी। जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय एरो, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर क्या लगेगा एरोहेड, तो वो वेक्टर बन जाएगा। एरो क्या होता है? ये एरो है, एरो का ये हेड है और ये टेल है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, एरो एरो है, सबको पता है। तो किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर एरो लग जाए तो वो वेक्टर है। जैसे यहां पर फोर्स की डायरेक्शन क्या है? फोर्स की डायरेक्शन जरूरी नहीं है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ही हो, जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ही हो, एंगल बताना भी डायरेक्शन का काम करता है। तो एंगल में क्या है, जैसे ये एफ वेक्टर है और ये फोर्स कितने एंगल पर लग रही है, 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो मैं क्या बोलूंगा कि फोर्स की डायरेक्शन कितनी है, 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो ये इसकी डायरेक्शन बताने का काम कर रही है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक। तो जैसे एक कार मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस, इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूं, अगर मैं लिखूं v वेक्टर की वैल्यू क्या है, देखो जिस भी क्वांटिटी के ऊपर एरो लग गया वो एक वेक्टर है, और जिसके ऊपर एरो लग गया आपको इस क्वांटिटी की दो चीजें मुझे बतानी पड़ेंगी, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, क्योंकि एरो है, वेक्टर है। तो v वेक्टर को क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड क्या है 10 और डायरेक्शन क्या है अलोंग एक्स एक्सिस, क्या है पॉइंट क्लियर है? मैग्नीट्यूड 10 और डायरेक्शन एक्स एक्सिस। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि v वेक्टर की वैल्यू कितनी है 10, रॉन्ग, क्योंकि जब आपने वेक्टर लिख दिया तो वैल्यू मैग्नीट्यूड के साथ क्या बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन, नहीं तो गलत माना जाएगा। हाँ, अगर आपने अकेला v लिख दिया, एरो हटा दिया, एरो का मतलब डायरेक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप सिंपल लिख सकते हैं 10 मीटर अलाउड है, और आज तक हम यही तो लिखते आए हैं, हमने कौन सा वेक्टर लगाया कभी? क्यों? क्योंकि वेक्टर लगाने से मुझे क्या बतानी पड़ती है, उसकी डायरेक्शन, और मोशन इन वांडी में डायरेक्शन बताना वेक्टर में काम करना नहीं चाहता, इसलिए मैंने वेक्टर लगाया ही नहीं, सारा का हमने स्केलर के साथ किया, ये मैग्नीट्यूड के साथ किया। लेकिन आज के बाद अगर वेक्टर लिखा गया तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आएगी ही आएगी, लेकिन अगर आपने अकेला भी लिख दिया तो फिर सीधा सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड आएगा, इसके पीछे डायरेक्शन नहीं आएगी, क्योंकि एरो नहीं लगा। तो v का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, v वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। एक और तरीका है, अगर आप v वेक्टर के आगे मॉड लगा दो, मॉड मॉड, इसका मतलब ओनली मैग्नीट्यूड,
इस वेक्टर का अफेक्ट खत्म हो जाता है। मॉड लगाने का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, यानी कि सिर्फ क्या लेना, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि सिर्फ वी लिखना या वी वेक्टर का मॉड लिखना, बात एक ही है। ये डायरेक्शन के अफेक्ट को खत्म कर देते हैं। लेकिन वी वेक्टर लिखना, फिर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लिखना, वी वेक्टर का मॉड लिखना सिर्फ वैल्यू लिखना, मैग्नीट्यूड लिखना, वी लिखना मतलब मैग्नीट्यूड लिखना। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक। जैसे मान लो क्वेश्चन है, एक कार जा रही है 50 मीटर पर सेकेंड, यहाँ ना डायरेक्शन गलत लिखी गई, इसे करेक्शन करो, 50 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ये इसकी सही डायरेक्शन है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसके अंदर मान लो एक कार जा रही है जिसकी वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड है, जो कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस बना दिया। तो अगर मैं वी वेक्टर लिखूं तो मुझे मैग्नीट्यूड के साथ क्या बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं वी वेक्टर के आगे ये दो स्टिक्स लगा दूं मॉड, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या बतानी पड़ेगी, इसकी वैल्यू। या फिर अगर मैं वी वेक्टर के ऊपर वेक्टर हटा दूं तो भी सिर्फ क्या बताना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है कि वी का मतलब और वी वेक्टर में क्या डिफरेंस आएगा? ठीक है, राइट। तो ये वेक्टर है, अब हम करेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स।